हाय फ्रेंड्स, आज चल रही हूँ दिल्ली के पालिका बाजार। तो आप लोग बने रहिए आज के ब्लॉग में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले पालिका बाजार जाने के लिए मैं मेट्रो का ये ली। मेट्रो का सफ़र करना दिल्ली में बहुत ही इजी है और सुरक्षित है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम कैब करते हैं तो ट्रैफिक बहुत मिलेगा। तो राजीव चौक में उतर जाइए ना, पालिका बाजार बिल्कुल पास में है। ये मैं पालिका बाजार का बाहर का सीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको भीड़ भाड़ मिलेगा, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि जहाँ पे शॉपिंग और मार्केट होता है वहाँ भीड़ होती है। तो यहाँ पे खाने के लिए आप कुछ भी अगर खाना है तो आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं। बैठने का भी अच्छा सुविधा और मन भी लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब पालिका बाजार के अंदर चलते हैं। ये तो मैं बाहर का दिखा रही, अब अंदर देखती हूँ कि अंदर क्या क्या है। पालिका बाजार का ये मेन एंट्री गेट है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और शेयर तो ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जो लोग दिल्ली जाते हैं तो इस मार्केट को भी ज़रूर जाए। तो यहाँ पे मार्केट में मैं आ गई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पर एक चीज़ है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मोल भाव जो होता है ना, तोल भाव करना, वो आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ हर सामान का रेट दोगुना से चौगुना बोलेंगे। तो इस मार्केट में आने पे आपको बार्गेनिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्रेंड्स आप लूट जाएंगे पालिका बाजार में, क्योंकि बहुत हाई रेंज बोलते हैं और उस हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। यहाँ पे सामान बिल्कुल ए टू जेड है और काफ़ी सस्ते में ही सामान मिल जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए और मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ। और आपको कोई भी सामान लेना हो तो भी मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मिलता है। तो फ्रेंड्स पालिका बाजार का जो मार्केट है, मैं आपको म्यूजिक के साथ एंजॉय भी करा रही हूँ और शॉपिंग भी करा रही हूँ, तो बने रहिएगा। Oh.